सभी को राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024-25, यानी जिनका एग्जाम अब 2025 में जनवरी फरवरी और मार्च महीने में होगी। तो प्रिपरेशन कंटिन्यू पूरे ईयर चलते रहती है ताकि बेसिक बना रहे, ठीक है, हम लोग भूले नहीं। कौन कौन होमवर्क पढ़ क्या है? आज मैंने ग्रुप में होमवर्क भेज दिया था, सभी को राम राम, जय हिंद। शिवानी, ऐशान, रविंद्र, कैसे हैं आप लोग और कौन कौन पढ़ क्या है? क्योंकि मैंने होमवर्क ना अभी 20-25 मिनट पहले ही ग्रुप में भेजा था। वेपन ट्रेनिंग का जो क्लास होगी हम लोग करेंगे 20, 22 या 23 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 47 क्वेश्चन ही। बाकी आपको सारे नोट्स इस ऐप पर अवेलेबल है, जो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, तेजस एनसीसी आर्मी ऐप, ठीक है, यहाँ पर आपको सारे डाटा मिलेंगे। तो फिर गूगल पे सर्च कर लेंगे इस वेबसाइट को। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत हो मैसेज करना। और अपने जूनियर सीनियर फ्रेंड्स को बता देंगे, क्लास डेली अब कंटिन्यू चलेगी 7 बज के या 7 बज के 10 मिनट, अभी से रेगुलर करें ताकि बेस बना रहे। कि अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया, कि एमसीक्यू पेपर होगा ना, और इस बार जितने नए क्वेश्चन पूछे उसके आंसर सभी बनाने हैं, जो मैं अक्टूबर नवंबर में बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको बताया जाएगा। गायत्री भादुरी, बड़े दिनों बाद आप लोग आ रहे हैं, चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और जिन्हें एनसीसी ज्वाइन करनी है आपकी क्लास डेली शाम में 8 बज के 5 मिनट पर होती है, ठीक है, अभी इस क्लास के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, 22 राइफल की कारगर रेंज क्या है? 25 गज, 20 गज, 40 या 30? आंसर सभी का आना चाहिए, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से, गलत सही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप होमवर्क करके आना, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 0.22 इंच राइफल, क्या होगा? चलिए अब सभी लोग का आंसर आना चाहिए। अरे अब हो गया, जय माता दी, जय श्री राम, कितना करते हो, चलो बढ़िया। नीतू, ज्योति, शालिनी, शिवानी और गायत्री टॉप 5 में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में ही बॉयज लोग हार गए, वैसे तो आदेश ज्यादा गलत ही है, ठीक है, सही तो सब लोग हैं, जय हिंद सभी, ठीक है। 25 गज, टॉप 5 में पांचों ही लड़कियां हैं, ऑप्शन ए होगा। सेकंड, एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? 30 राउंड, 40 राउंड, 32, 28? मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एलएमजी, या फिर पूछता है 7.62 mm एलएमजी का मैगजीन कैपेसिटी, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, क्या होगा, मतलब उसकी मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं मैक्सिमम। सेकेंड क्वेश्चन, गुड जोश, एहसान अली, राजेंद्र, गायत्री, नीतू और शालिनी, ठीक है, परफेक्ट जा रहे। एलएमजी का 30 राउंड होता है, ठीक है, ऑप्शन है, सब लोग सही है। रवीना गलत है, 20, 40 राउंड लिख रही हो, 40 नहीं होता किसी का, 30 ही होता, बाकी सब लोग सही। प्रियंका, 7.62 mm एसएलआर की मैगजीन सहित कितना वजन होता है, यानी वेट ऑफ एसएलआर विथ लोडेड मैगजीन? 3.6 kg, 5.1 kg, 4.4 या 4.1 kg? क्लास पूरा कीजिएगा, 20 क्वेश्चन की क्लास अभी डेली होगी, ठीक है, ओनली 20 क्वेश्चन। तो घर पे कम से कम 10 से 15 मिनट होमवर्क पढ़ के आना है, डेली ग्रुप में भेज देता हूँ। रवि नजोतिया, ठीक है, भैया कलाटला, खटका, गुडजोश, लाडला, एहसान, गाय, ठीक है, गायत्री गलत है, 4.1 लिख रही। अरे ये तो इंसास का होता है ना, विथ लोडेड मैगजीन। मिथिलेश, जय हिंद, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। बादल गलत, प्रियंका गलत, बाकी सब लोग सही है, रविंद्र बढ़िया। 5.1 kg होता है, ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आप लोगों ने होमवर्क नहीं पढ़ा, मैंने ग्रुप में तो सेंड कर दिया था, बी होगा 5.1 kg। 5.56 mm इंसास राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है? बोल्ट एक्शन, गैस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, होमवर्क पढ़ के आना चाहिए ना, आप लोग 10 मिनट भी नहीं पढ़े, वैसे तो मैंने लेट से सेंड किया था, अभी क्लास के जस्ट बाद होमवर्क भेज दूंगा, ठीक है, कल से पढ़ के आइएगा। इंसास राइफल किस सिद्धांत पर, यानी प्रिंसिपल क्या है?
क्यूट कमीना अभी अपना नाम बदल लिया, लाडला, रविंद्र, ज्योति, गायत्री, रुद्रा। हाँ ठीक है, इंसास और एस्टेलार दोनों गैस के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक, बी होगा। दिनेश, हाँ मिल जाएगी। आई एम रीडिंग द होमवर्क। इंग्लिश ना, इंग्लिश का हाथ पैर तोड़ देते हो। दिख रहा है, आई एम रीडिंग द होमवर्क। डब्ल्यू टी से क्या समझते हैं? वार प्रशिक्षण, संचार भ्रमण, वेपन ट्रेनिंग, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर सभी लोग। ये की बेटा ब्लॉक हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डब्ल्यू टी? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बढ़िया, पुलिस, जय हिंद। चलो जल्दी सभी लोग, रिया कुमारी, रुद्रा, शिवानी। डब्ल्यू टी मतलब वेपन ट्रेनिंग। ठीक है, सी होगा, टॉपिक का नाम है। सब लोग ठीक है। एक चार्जर में कितने राउंड आते हैं? 10, 5, 15, 3। हाउ मेनी राउंड्स आर देयर इन अ चार्जर? क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्या होगा? उत्तम, क्वेश्चन नंबर लिख कर बताइए। गर्मी ना अभी से यार, पर गर्मी ना बहुत रुलाने वाली है। लू चलने लगा है दोपहर में, धूप में इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो बीमार आप पड़ेंगे, पूरी फैमिली परेशान होती है। और लू ना बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी बीमारी है। बिना खाए पिए नहीं निकलना, पानी का बॉटल लेके जाइएगा कहीं भी, तो ध्यान रखना। हाँ, नवरात्रि सब जगह है। सुंदरम, जय हिंद। ठीक है ना, हेल्थ का ध्यान रखना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स का भी। तो बता देना लू का मौसम चल रहा है, बादल गलत है। शिवानी हुडा 10 राउंड लिख रही है। एक चार्जर में 5 राउंड होते हैं। ठीक है, मैंने कितनी बार, 75 बार भी डायग्राम बना के बता दिया है कि चार्जर इस तरह से होता है। ये लोग ना समझते ही नहीं है, कहाँ से ध्यान रहेगा इनको। इस तरह से ये 1 राउंड हो गया, ये आपका 2रा राउंड हो गया, ये 3रा राउंड, ये 4था राउंड और ये 5वां राउंड। अब इसमें ना मैंने 3 अप 2 डाउन किया है। ठीक है, अब शायद ये रिवर्स भी हो सकता है कि 3 डाउन और 2 अप होता है, लेकिन ऐसे ही चार्जर होता है। ठीक है, ये राउंड इसमें लगे होते हैं 5 राउंड। अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन है? अच्छी पकड़, सही लक्ष्य, ट्रिगर ऑपरेशन, उपरोक्त सभी। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, समझ में नहीं आती बातें, बैठ के कहानी सुनते रहते हो ना, होमवर्क पढ़ के आते हो। मैं बता रहा था कि गर्मी का मौसम आ गया, पानी का बोतल वगैरह लेके घूमिएगा। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह भी लेते रहना। किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, मूर्ति की तरह बैठे रहते हो घर पे, कमाल है। चलो भैया जल्दी, उर्दू भाई, नीतू हुआ। ठीक है, बाकी लोग, दीवान भी आ गया। हाँ जय हिंद, बड़े दिनों बाद। मम्मी की तबीयत कैसी है तुम्हारी? प्रियंका, रुद्रा, रिया। ठीक है सभी, अच्छी फायरिंग का नियम जिसको हम लोग एचएटी से शॉर्ट में याद रखते हैं, गुड होल्डिंग, गुड एमिंग, गुड ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है, तो डी होगा, बादल। ठीक है, 0.22 इंच। डिलक्स राइफल की लंबाई क्या है? 8 इंच, 40, 43 या 50? तो समझ रहे हैं तो बोलना चाहिए ना, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रही है, आप सुन रहे हैं, आप बैठ के सोते रहते हो। लेंथ परफेक्ट, लेंथ ऑफ 0.22 इंच डिलक्स क्या होगा? डिलक्स की लंबाई, बढ़िया रविंद्र, पुलिस गर्ल, गायत्री, दीवान, नीतुआ। ठीक है, परफेक्ट जा रहे। बच्चा वाला क्वेश्चन है, रुद्रा, ज्योति पांडे। ठीक है सभी का, डिलक्स का इसकी लंबाई 43 इंच होती है। ठीक है, 43 इंच, सब लोग सही है। 9, राइफल को लोडेड तब समझा जाता है जब चेंबर में गोली हो, ट्रिगर आगे की उंगली पर हो, तैयार कमांड दी जाए, इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा 9 का? कल से होमवर्क सब लोग पढ़ के आना। ठीक है, नेक्स्ट जितने क्वेश्चन होंगे ना, इस मॉडल पेपर जो मैंने भेजा उसमें के बाकी पढ़ लेना, तो जब तक आप पढ़ के नहीं आओगे बेनिफिट नहीं है। राइफल को लोडेड कब समझते हैं, किस सिचुएशन में? होती पुलिस, शान, शिवानी और गायत्री। ठीक है, टॉप 5 में ये लोग हैं।
जब चेंबर में कोई राउंड हो, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है परफेक्ट तो सब लोग यंगर टाइम से आओ। एचएटी का मतलब कमेंट में स्पेलिंग बताइएगा, ठीक है पूरा कमेंट में स्पेलिंग आना चाहिए। एचएटी का मतलब यानी फुल फॉर्म बताना है, अभी मैंने जस्ट बताया था फुल फॉर्म ऑफ एचएटी। देखो आप लोग पढ़ के आओगे ना तो मजा आएगा, 20 मिनट की क्लास होती है अभी, 20 क्वेश्चन ही होगा, फटाफट करके फिर नेक्स्ट। दीवान कहाँ थे इतने दिन से, बताया नहीं मम्मी की तबीयत कैसी है तुम्हारी, पुलिस, ठीक है चलिए आंसर सभी का आना चाहिए। एचएटी का मतलब यानी फुल फॉर्म, ज्योति पांडे, लाडला, दीवान, गुरजोश, हाँ आप लोग मेरे टाइगर ही हो। और मैंने ना इस चैनल पे भी वीडियो अपलोड कर दिया वाला, इनका उसमें हुआ दिल्ली पुलिस में हुआ है ना रिया का, जो एमपी की है, तो आप लोग देख लेना जिन्होंने नहीं देखा। एचएटी का मतलब होता है होल्डिंग एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, सेकंड ऑप्शन, स्पेलिंग पूरा आना चाहिए। जय हिंद रुद्रा राजेंद्र, बढ़िया जोश। 7.62 mm, LMG का रेंज क्या है, 400 मीटर, 600 मीटर, 200 या 500? LMG का रेंज पूछ रहा मतलब इफेक्टिव रेंज पूछा, ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए आंसर। चलिए आंसर बताइए सभी को, जय हिंद बादल परफेक्ट। LMG का रेंज कितना, और आप लोग अपने फ्रेंड्स को बता देंगे, वंदना जय हिंद आंसर। 7:10 तक क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है क्या होगा गुरजोश, चलो भैया जल्दी सभी लोग, इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm LMG। निशान ज्योतिया, ठीक है शालिनी, उर्दू दिया, नीतू, ठीक है सभी लोग, 500 मीटर होता है, ठीक है 4 होगा, 500 मीटर। अभी तो सब लोग परफेक्ट हो, मिथिलेश, गुरजोश, भैया आप लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना एक दूसरे का, सबको याद है 7.62 mm SLR की मार्जिनल वेलोसिटी कितना फीट प्रति सेकंड है, 900 फीट प्रति सेकंड, 1,000, 2,700 या 815? SLR की मार्जिनल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, चलिए आंसर सभी का जल्दी से आना चाहिए। वंदना क्वेश्चन नंबर लिख कर बताओ ना, रोज एक ही बात बताना पड़ेगा क्या, डी लिख रही हो तो तुमको याद नहीं है। मार्जिनल वेलोसिटी SLR का जितना SLR का होता है उतना ही LMG का भी होता है, ठीक है तो इसको रिलेट करके याद करना है, इन्हें रिलेशन वाले क्वेश्चन है जो मैं बताते रहता हूँ आपको ट्रिक, वैसे समझ के याद करना, ठीक है भूलोगे नहीं। बादल गधा तो तुक्का मारता, रिया, मिथिलेश, लाडला, ठीक है ज्योति पांडे, रविंद्र, ठीक है सभी, 2,700 फीट प्रति सेकंड, ठीक है सी होगा। 7.62 mm SLR राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है, बोल्ट एक्शन, गैस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। SLR राइफल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, काम करता है, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन ही होगा, ठीक है कल होगा या फिर आज 22 कर लेंगे, कल 25 क्वेश्चन, ठीक है टोटल 47 क्वेश्चन। SLR राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है, अभी ना नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया, तब पेपर आपका पीजी इसलिए होता है क्योंकि अपने पढ़ाए गए क्वेश्चन ही आते, बहुत ज्यादा अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है रेगुलर क्लास करना और होमवर्क करके आना। क्या होगा SLR राइफल किस सिद्धांत पर, अंगद, प्रियंका, बाकी लोग, रुद्रा, रवीना गलत है, बोल्ट एक्शन लिख रही हो, बोल्ट एक्शन तो 0.22 राइफल है, ठीक है गोली डाल के फायर करते हैं, वंदना ठीक है, बी होगा गैस के सिद्धांत पर, इंसास और एसएलआर दोनों सेम है, ठीक है एहसान अली, सर जी दीदी का दिल्ली पुलिस में हुआ, हाँ तो हम देखे थे आप उनसे बात कर रहे थे, अरे मैं उसका छोटा सा इंटरव्यू ले रहा था, तो बात कर रहे थे ताकि बाकी लोग को समझ में आए, ठीक है 5.56 है मैम। इंसास राइफल के मार्जिनल वेलोसिटी कितना है, 900 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड, 1300 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड, क्वेश्चन नंबर 14। रुस्तम ठीक है टाइम से आना कल से,
7:10 तक स्टार्ट हो जाएगी। इंसास राइफल का मजल वेलोसिटी कितना? अब कभी कभी मजल वेलोसिटी की जगह पे टोप वेग भी लिख देता है, ठीक है। टोप वेग का मतलब मजल वेलोसिटी होता है, तो ध्यान रखना है। चाइना की कैपिटल, उसकी रिवर नीतू, अरे पता नहीं क्वेश्चन कौन सेट किया, आइडिया नहीं होगा। रुद्रा 500 मीटर लिख रहे हो, इतना गंदा आंसर, पढ़ के नहीं आया, ग्रुप ज्वाइन करो, पढ़ के आना कल से, ठीक है। बाकी सभी लोग सही है, रुस्तम, प्रियंका, ज्योति, लाडला, बढ़िया। बाकी लोग दीवाना, ठीक है। इंसास का 900 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, फर्स्ट होगा। फायर पर असर डालने वाली बातें कौन कौन सी, ऑप्शन दिया है, मतलब आप फायरिंग करने गए हैं तो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो फायरिंग के दौरान फायरिंग पर बैड इफेक्ट डाल सकते, मतलब परेशानियां पैदा कर सकते हैं। आंसर, हाँ तुम तो कितने दिनों बाद इसलिए एक भी आंसर नहीं दे रहे हो, वाह आंसर भी बताइए, कितने दिनों बाद आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक भी आंसर नहीं देंगे, आंसर आना चाहिए ना, ठीक है। चलो आराम से कल से पढ़ के आना। 15 का गायत्री, सर आपके वजह से मेरा एनसीसी का पढ़ाई अच्छा हो गया, जूनियर का लेक्चर मैं ही लेती हूँ बटालियन में, गायत्री बढ़िया। कुछ पांडे, आज जय मैं बढ़िया, आप बताओ, ठीक है। डी होगा इनमें से सभी, आपको ना ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपको ना ये 10 पॉइंट याद होना चाहिए, हवा, दूरी, रोशनी, मौसम, गुरुत्वाकर्षण, बैरल में कटाव का होना, बैरल में तेल का होना, बैनेट लगाकर फायर करना, हीरोइन ना होना, पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। 16, ट्राइपॉड पर एलएमजी का कारगर रेंज कितना गज होता है, 500 गज, 3000 गज, 1000 गज, 2000 गज। लाडला, ओके ओके वेलकम है, जो लोग नहीं सभी का वेलकम है। रवीना, अंगद, ठीक है। शालिनी, ट्राइपॉड पर एलएमजी का कारगर रेंज, इफेक्टिव रेंज ऑफ एलएमजी ऑन ट्राइपॉड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइपॉड पूछा है, एक पूछता है बाइपॉड, दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। गायत्री, लाडला, ठीक है, और बाकी लोग, अनुज मई तक आएगा, तो हार्डली मई तक सबका आ जाएगा, शिवानी, अंगद, ज्योति, ठीक है सभी। एलएनजी का ट्राइपॉड पर 2000 गज होता है, ठीक है, डी होगा। सुशील गलत, प्रियंका गलत, बाकी सब लोग ठीक है। फायरिंग के 4 दर्जे होते हैं, कौन कौन से, ऑप्शन दिया गया है, व्हाट आर द 4 ग्रेड्स ऑफ फायरिंग, चलिए आंसर सभी का आने चाहिए। शिवानी उठा, 1000 गज, ठीक है, परफेक्ट। अभी ना मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया नहीं, जैसे मैं शॉर्ट वीडियो बना के ग्रुप में भेज दूंगा, लिंक के साथ, ग्रुप का लिंक, आप लोग अपने अपने स्टेटस लगा देना और ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है, सबको पता चल जाए, इंस्टा स्टोरी भी लगा देना, सब लोग टाइम से क्लास आएंगे। फायरिंग के 4 दर्जे कौन कौन से होते हैं, 17, हाँ वो मुझे पता है, तुम ही हो कथा, डीपी चेंज किया नहीं, बोलता है कि नया लड़का है, मुझे डीपी याद नहीं रहता क्या आप लोग का, रोज देखता हूँ तो ऐसे ध्यान में रहता है। फायरिंग के 4 दर्जे, बादल तो सारे आंसर ही गलत बताते हैं, कुछ नहीं पड़ता ये, रुद्रा, दिया, ऐशान, ठीक है, नीतू, रुस्तम का भी ठीक है, ग्रुपिंग, गिरोइंग, एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन भी होगा। 7.62 mm SLR का पूरा नाम क्या है, कमेंट में फुल नेम आना चाहिए, पूरा नाम यानी फुल फॉर्म आना चाहिए, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ 7.62 mm SLR, चलिए आंसर सभी का आना चाहिए। और कल रामनवमी है ना, तेज नहीं हो, उसको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जहाँ नाम बदल के आया, बाद में बोलता हम नए स्टूडेंट है, हम पहले ही बता दिए, तब का बोल रहा, चलो आंसर बताओ, ये SLR का पूरा नाम क्या होगा, चलो जल्दी से, मुझे परफेक्ट आंसर चाहिए, पुलिस एनसीसी गर्ल परफेक्ट, गायत्री परफेक्ट, दीवानी, लाडला, नीतू और एहसान परफेक्ट है, पूरा आंसर लिखो, रिया से थोड़ी चलेगा, रुद्रा, अरे फुल फॉर्म का मैंने क्या बोला, पूरा फुल फॉर्म लिखिए, ABCD लिख रहे हो, रुद्रा सिंह 18 का ऐसे लिखा, CCC पहले तो 3 बार लिखे हो, तो 1 बार लिखा जाता,
बोला गया फुल फॉर्म लिखने, तो तुम सी लिख रहा, ट्रेन बना रहे हो, गलत है तुम्हारा। पढ़ क्या करो ना, जो बताया जाए बात समझ में नहीं आती है। प्रियंका गुप्ता गलत। 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल जिन्होंने इतना लिखा, तो आप लोग सही है, जिन्होंने ABCD लिखा आप लोग गलत है। 5.56 mm इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना मीटर होता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर या 400 मीटर। रवीना कुशवाहा का भी गलत है, सेंटीमीटर लिख रही है, 7.62 cm। वाह, क्वेश्चन में दिया है 7.62 mm SLR का पूरा नाम, जो मन करे वही लिख देना। चलिए बाकी लोग जल्दी से आंसर बताएं, ये लोग ना समझते ही नहीं है, जो मन किया वही लिख देना। वंदना का भी गलत है, रिया मलिक का भी गलत है। 19 नंबर, इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास, बढ़िया क्या होगा, ठीक है बच्चा वाला क्वेश्चन है, दीवान बंदा परफेक्ट है, ये लोग पहले का पढ़ा है फिर भी नहीं भूले क्योंकि अच्छे से पढ़ा, लाडला रविंद्र शिवानी रुस्तम, ठीक है शालिनी रिया मलिक, ठीक है 400 मीटर होता है, ठीक है इंसास का 400 मीटर डी होगा। 0.22 डिलक्स राइफल का वजन कितना पाउंड, कितना औंस है, 6.2 औंस, 8.2 औंस, 6.8 औंस, 8.10 औंस। आलसी हो गया हूँ, जो बहुत काम है बट मैं कुछ नहीं, मौसम ही ना अजीब है। डिलक्स राइफल का वेट बताना, कितना पाउंड कितना औंस। चलिए आंसर बताइए सभी लोग, गुड जोश, ज्योति पांडे, गायत्री, बढ़िया, बाकी लोग रुद्रा, ठीक है रवीना सही जा रहे हो, अंगद गलत है, हनुमान जी से तुम्हारा शिकायत होगा, ठीक है 6.2 औंस होता डिलक्स का, 6.2 औंस होता, और क्या दिया 8.10 औंस, ये होता है मार्क फोर का, दोनों याद रखो, लिख दिया है सी लिखा, जो कभी आज तक ही पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो ये लिख रहे हो, पढ़ा नहीं हो भी लिख दिया। सब्जेक्टिव क्लास अभी नहीं चलेगी, एग्जाम टाइम में होगी क्योंकि सी का पेपर भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है 2025 से। 7.62 mm LMG का मजल वेलोसिटी क्या है, 2300 फीट प्रति सेकंड, 2700 फीट प्रति सेकंड, 1200 फीट प्रति सेकंड, 1500 फीट प्रति सेकंड। नहीं तू पढ़ने बैठो तभी नींद आती है, सोते रहो तुम भाई के टाइम बादल, ठीक है क्या होगा LMG का मजर वेलोसिटी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था LMG का SLR का दोनों का सेम होता है, दोनों का एक साथ ध्यान रखेंगे। रिया मलिक, रविंद्र रुस्तम, ठीक है दीवान तो फंस गया, की लिख दिया उद्रा, ठीक है सुशील पूरा लिखो, ठीक है शालिनी, ठीक है सही जा रहा है, 2700 फीट प्रति सेकंड होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बाकी के 25 क्वेश्चन कल करेंगे शाम में 7 बजे या फिर 7:05 या 7:10, पढ़ के आना कल से। लास्ट क्वेश्चन आज का 5.56 mm इंसास रिफल का खाली मैगजीन के साथ वजन क्या है, 3.69 kg, 4.4 kg, 4.1 या 5.1। और अभी लास्ट में एक महासंग्राम होगा, ठीक है फनी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, देखो फिर क्लास ओवर करेंगे, ठीक तो पढ़ के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का, कोई सी लिख रहा कोई ये लिख रहा, अरे इंसास का वेट पूछा विथ ब्लैंक मैगजीन, मैगजीन एम्प्टी है एक भी राउंड नहीं है, 4.1 लिख रहे हो। आज के क्लास में तो बताया हूँ ये होता है इंसास का विथ लोडेड मैगजीन, यहाँ पे खाली मैगजीन दिया तो तुम लोडेड मैगजीन का लिख रहे हो, ठीक है आज के तो क्लास में बताया हूँ यार, समझते भी नहीं हो, देख रहे सब सी लिख रहा, तो का ध्यान क्लास में रहता ही नहीं है। विथ ब्लैंक मैगजीन, रिया मलिक, ज्योति पांडे, पुलिस, रुस्तम, दीवान, अंगद, शालिनी, ठीक है ऐशान, गायत्री, डाडला, इधर ये लोग ठीक है, बाकी सब लोग एक तो ना तो होमवर्क पढ़ के आए हो, पहले जो पढ़े थे पूरा खत्म, क्लास में बताया फिर भी खत्म, कम से कम क्लास टाइम में ना ध्यान क्लास में रखा करिए, ठीक है
बाकी आप स्टूडेंट वाले में गिनती आप। फर्स्ट होगा 3.69 kg और ब्लैंक मैगजीन का वेट 90 ग्राम यानी 90 ग्राम होता है और केवल इंसास का वेट 3.6 kg होता है विथ ब्लैंक मैगजीन। खाली मैगजीन के साथ 90 ग्राम ऐड कर दिया 3.69 kg हो जाता है भाई, समझ के याद रखा करो ठीक है। आता नहीं है कुछ बताने के बाद भी चलो ठीक है। कल कल की क्लास जो होगी 23 नंबर से करेंगे लास्ट 47 तक। अभी आपका होगा महासंग्राम ठीक है। क्या पूछूं, कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछता हूँ ठीक है, कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछता हूँ। भिन्न शब्द का चयन करें ठीक है, 20 को सही है 21 को सही है, ऐसे थोड़ी होगा, पूरा सही होना चाहिए ना। होमवर्क करके आना ठीक है, भिन्न शब्द निकालना ठीक, भिन्न शब्द को छांटना है ठीक है ना, मतलब ऑड वर्ड रिजेक्ट उसको सिलेक्ट करना। आपका है इधर आम, ये ना न्यू भर्ती का क्वेश्चन है, ए में है आम, बी में है सेव, सी में है केला और डी में है बैंगन। क्या होगा टॉप फाइव का नाम आएगा, टॉप फाइव विनर होंगे, बाकी लोगों को मिलेगा ये सब खाने के लिए। क्या होगा सेलेक्ट द ऑड वर्ड, चलो जल्दी से आम सेव केला बैंगन। क्या होगा पास, और जिन्हें एनसीसी ज्वाइन करनी है क्लास 8 बजे होती है ठीक है, मतलब 8:05 से ज्योति पांडे आ, तो कल से पढ़ के आना ठीक है, कल से पढ़ के आना। शिवानी रावेंद्र गायत्री और नीतू ये लोग टॉप फाइव में, बाकी लोग ये लोग टॉप फोर ही हुआ और ईशान टॉप फाइव में। सिल बी लिख रहा है, सेव लिख रहा है, सेव कैसे होगा, सेव केला लिख रहा है ये बैगन गलत रहा। अरे भोजपुरी वाला तुम सॉन्ग गाने लगी ये लोग तो कमाल करते हैं। आमिर बोलो ये तो इतना इजी क्वेश्चन है ठीक है, ये ना भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीसी भर्ती में ठीक है। बैगन होगा क्योंकि ये तीनों फ्रूट्स यानी फल है और ये वेजिटेबल है। चलो तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8:05 न्यू भर्ती वाले में। और अभी जस्ट मैं ग्रुप में होमवर्क फिर से भेज दे रहा हूँ वेपन ट्रेनिंग का, नेक्स्ट 23 नंबर से लेकर 47 तक ठीक है, और आज वाला भी पढ़ लेना। चलो तो ठीक है, फिर जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी सारे फ्रेंड्स को बता देना क्लास करने के लिए, अभी से रेगुलर करें ठीक, नहीं तो फिर जीरो टाइम में फंस जाएंगे। बादल वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, यूपी बोर्ड का रिजल्ट उसका तो रुस्तम का तो पता नहीं, आप यूपी बोर्ड वाले वेबसाइट पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा ठीक है। फिर पढ़ के आना, जो लोग ग्रुप में नहीं है ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करो, कोई दिक्कत हो मैसेज कर। तो पूरी सॉन्ग नहीं मीम है ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय हिंद।